जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडेज योर टॉपिक इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप कनेक्टिव टिश्यू स्टडी कर रहे हो जिसमें आपने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज को पढ़ लिया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज को पढ़ लिया, एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज को पढ़ लिया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। You know example of fluid connective tissue? Blood and lymph. What is blood? Blood is a fluid connective tissue. Means ये fluid form में है. Okay? You know blood? Blood is divided into two main parts, plasma and blood cell. Plasma and blood cell or blood corpuscles. ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स एंड द लास्ट वन इज थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड है, जिसलिए हम इसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मीन्स ऑक्सीजन को लंग्स टू बॉडी ऑर्गन तक पहुँचाना, बॉडी ऑर्गन्स के CO2 को लंग्स तक पहुँचाना एरिथ्रोसाइट्स का फंक्शन है। एरिथ्रोसाइट्स 120 डेज तक इसकी लाइफ साइकिल है। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी बोन मैरो में मैन्युफैक्चर होता है। एरिथ्रोसाइट्स की कमी हो जाए तो एनीमिया, ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया डिजीज हो जाएंगे। ल्यूकोसाइट्स में हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए इसका कलर जो है कोई नहीं है, उसको हम WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स को। सो ल्यूकोसाइट्स इज डिवाइडेड इंटू 5 मेन पार्ट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बोसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ये बैक्टीरिया, फंगस या फॉरिजन सब्सटेंस को हमारे बॉडी में क्या करते हैं, मारते हैं। मीन्स हमें डिजीज ना होने पाए इनका ध्यान रखते हैं। ओके, तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, इन्फेक्शन से हमको बचाते हैं। कौन? WBC। प्लेटलेट्स जो ब्लड कॉर्पसल्स होगा वो ब्लड क्लॉटिंग कराएगा, 3 to 5 मिनट में ब्लड को जमा देगा अगर बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा होगा तो। सो हम एक एक फैक्ट देखेंगे यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। सो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन द बॉडी। इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ। दो एग्जाम्पल आपको देखने हैं, फर्स्ट इज ब्लड एंड द सेकेंड इज लिम्फ। So blood and lymph is also fluid connective tissue. Okay? So first of all we discussion about blood. You know blood is fluid connective tissue. So simple. Fluid connective tissue. क्यों fluid? क्यों? इसमें plasma, plasma and blood cell. ये देखें. In this tissue cells move in a fluid. इस tissue में क्या होता है, जो cells होते हैं, means जो RBC, WBC platelets. रेड ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये जो सेल्स हैं ये एक फ्लूइड में मूव करते रहते हैं। उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्लाज्मा। मीन्स ब्लड प्लाज्मा में ब्लड सेल मूव करते रहेंगे बिकॉज ब्लड प्लाज्मा फ्लूइड फॉर्म में है। प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स, देखिए प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पसल्स इज इक्वल टू ब्लड। मीन्स ब्लड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड द सेकेंड इज ब्लड कॉर्पसल्स। सो ब्लड को हम इस तरह से ऐसे डिवाइड करेंगे, ब्लड टू मेन पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है? प्लाज्मा, प्लाज्मा। सेकेंड ब्लड सेल। ब्लड सेल में कौन कौन से होंगे? RBC, WBC, RBC, WBC, platelets, platelets. So, प्लाज्मा फ्लूइड फॉर्म में है, प्लाज्मा फ्लूइड फॉर्म में है। हाँ, प्लाज्मा में क्या हो सकता है? देखिए यहां पे इधर ब्लड कॉर्पसल्स में, ब्लड कॉर्पसल्स बोलो या ब्लड सेल बोलो, बात देखिए, ब्लड कॉर्पसल्स में RBC, RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोलना है, RBC को एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, WBC ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ब्लड कॉर्पसल्स आर
RBC WBC platelets. दूसरे शब्द में एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स. सो तो ये जो एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये ब्लड सेल हैं. और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड. मीन्स पूरे ब्लड का टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड का 55% मीन्स ये जो है 55% ब्लड का प्लेस ऑक्यूपाई करेगा फ्लूइड फॉर्म में. और उसी प्लाज्मा में ये ब्लड सेल होते हैं. कौन से ब्लड सेल? एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन आरबीसी. आरबीसी मीन्स एरिथ्रोसाइट्स. यू नो एरिथ्रोसाइट्स? चलिए मैं बताता हूँ आपको. जो आरबीसी होता है उसको आरबीसी क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो रेड कलर का है. इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स. आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल. अब ये रेड क्यों है चलिए मैं आपको बताता हूँ. सपोज दैट जैसे कोई बोन है, बोन मीन्स जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है बॉडी. एम्ब्रियोनिक स्टेज मीन्स जब बच्चा गर्भ में होता है छोटा बच्चा, तो उसके लीवर में आरबीसीज बनते हैं. बट एडल्ट्स में क्या होता है? बोन मैरो में आरबीसी फॉर्मेशन होते हैं. मीन्स सपोज दैट ये एक बोन है, दिस इज अ बोन, ये एक हड्डी है. हड्डी को आप इसे काटोगे तो आपको ये फॉर्म दिखाई देगा. मीन्स हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली होती हैं. क्या होती हैं? बोन्स में कैविटी होती है. ये तो एक्सटर्नल वॉल, इंटरनल वॉल एंड मीडियल. सो बोन कैविटी फुलफिल ऑफ, इस बोन कैविटी में क्या होगा? बोन मैरो, जो खोखला भाग होगा हड्डियों का, उस खोखले भाग में एक फ्लूइड भरा होगा, उसको हम बोलेंगे बोन मैरो. सो दिस इज बोन मैरो. बोन मैरो, इस बोन मैरो में ये जो हम आरबीसीज पढ़ने वाले हैं ये बनते हैं. एक्चुअली ये सेल ही होता है ऑलरेडी. इस आरबीसीज इसको हम यहाँ बड़ा करके बनाते हैं. मींस ये एक सेल है, दिस इज सेल. अब एनिमल सेल जैसे होता है उसकी प्रॉपर्टी जैसी भी होती है, ये भी वैसे ही होता है. मींस एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा होगा. आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो. सेल कैसे होता है एनिमल सेल आपको पता है. तो जैसे एक एनिमल सेल होता है, आरबीसी जब बोन मैरो में बनता है तो वैसे ही होता है. मीन्स उसमें न्यूक्लियस होता है. आरबीसीज में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सब कुछ होता है. लेकिन 1 to 5 days में क्या होता है? 1 to 5 days में इस आरबीसीज के न्यूक्लियस गायब हो जाएंगे. आरबीस के न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल सब गायब हो जाएंगे. मीन्स ये सेल में अब इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा. ओके, मीन्स न्यूक्लियस नहीं होगा. अब हम बोलेंगे कि आरबीसी में एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस ऑब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है. आपने देखा 1 to 5 days में पहले तो था, जब एक सेल फॉर्म में आया ये बोन मैरो में तो इसमें न्यूक्लियस था. बट कुछ दिन बाद क्या हुआ, 1 to 5 days में क्या हुआ, इसके सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस भी गायब हो गए. सो न्यूक्लियस गायब हो जाने के बाद क्या हुआ, इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है. यू नो हीमोग्लोबिन, हीम ग्लोबिन, हीम आयरनी सब्सटेंस, ग्लोबिन मीन्स रेड कलर का. तो हीम प्रोटीन है रेड कलर का, वो हीमोग्लोबिन आके इस सेल में, जिस सेल में कुछ नहीं बचा है, न्यूक्लियस गायब हो चुके हैं, उसमें आके फुलफिल हो जाता है, पूरा भर जाता है. अब हीमोग्लोबिन रेड कलर का है जो इस सेल में आके पूरा भर गया, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये पूरा सेल रेड कलर का हो जाएगा. कारण है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के कारण ही ये क्या हुआ, रेड कलर का हो गया. अब हम इसको क्या नाम दे देते हैं, आरबीसी. क्यों? क्योंकि ये रेड कलर का हो चुका हुआ है. मीन्स रेड ब्लड सेल. एक्चुअली इसका नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट. क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट. सो अब ये आरबीसी बन गया. ये आरबीसी क्या काम करेगा? ये रेस्पिरेटरी गैस, यू नो रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये O2 और CO2 को एब्जॉर्ब करता है. कौन? आरबीसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन में
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। सो ये क्या करता है, बॉडी के लंग्स से ऑक्सीजन को कलेक्ट करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और पूरे बॉडी के सेल्स टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स में पहुंचाता है। मींस ये प्लाज्मा में होकर के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। कौन? आरबीसी। सो व्हाट द फंक्शन ऑफ आरबीसी? फंक्शन तो यही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, लंग्स टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स टू लंग्स। सो ये अपना काम 120 डेज तक करता रहेगा, 120 दिन तक करता रहेगा, उसके बाद ये काम लायक नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगा। कहाँ? स्प्लिन। एक ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, स्प्लिन। उस स्प्लिन में जाएगा जब ये काम लायक नहीं रह पाएगा, तब स्प्लिन में जाकर के इसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, इसमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा। ये हीमोग्लोबिन यहाँ बाहर निकल गया और सेल मेम्ब्रेन का जो कचरा है वो बॉडी से एस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। बट ये जो हीमोग्लोबिन है ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन फिर से जाएगा बोन मैरो के पास में। ये हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के थ्रू ये बोन मैरो के पास में जाएगा और बोन मैरो में जो नई एक सेल बना होगा, जो एनिमल सेल होगा, जो सेल मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियस होगा, सब कुछ होगा, सेल ऑर्गेनेल होगा, बट उसमें जब एक बोन मैरो में एक सेल के जब सेल ऑर्गेनेल्स गायब हो जाएंगे, न्यूक्लियस भी गायब हो जाएगा, जब खाली जगह हो जाएगा, तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, इसमें जाके फुलफिल हो जाएगा, इसमें भर जाएगा। मीन्स एक नया आरबीसी तैयार हो गया। अब ये भी अपना वही काम करेगा, O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, लंग्स टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स टू लंग्स। ओके, कितने दिन तक? 120 डेज तक। उसके बाद ये स्प्लिन में जाएगा, स्प्लिन में जाने के बाद इसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, फिर से बोन मैरो में जाएगा हीमोग्लोबिन, एक नया आरबीसी तैयार करेगा। इस तरह से ये आरबीसीज बनते रहते हैं। मीन्स सेल्स तो डैमेज हो जाएगा बट हीमोग्लोबिन वही रहेगा। सो आप देखोगे कि ये आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 डेज। आरबीसी का बर्न प्लेस मीन्स ये बनता कहाँ पे है, जन्म कहाँ होता है इसका, बोन मैरो, रेड बोन मैरो, बोन कैविटी में होता है। ओके, और ये मरता कहाँ पे है, मीन्स ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लिन ग्लैंड में। कहाँ? स्प्लिन ग्लैंड में। ओके, सो अगर बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाए तो एक डिजीज होती है एनीमिया, याद कर लीजिएगा, एनीमिया। और आरबीसी अगर ज़्यादा हो जाए, देखिए कम होने पे तो एनीमिया, बट अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया, ये डिजीज है। क्या? पॉलीसाइथीमिया। ओके, सो ये रहा आरबीसी आपके सामने। अब ऐसे ही होता है एक WBC, आपने पढ़ा ना, ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स में तीन चीज़ों को पढ़ना है आपको, कौन कौन से, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, मीन्स एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रम्बोसाइट्स। हमने एरिथ्रोसाइट्स को पढ़ा, अभी हम ल्यूकोसाइट्स पढ़ेंगे, मीन्स WBC। चलिए ठीक है, मैं WBC को बताता हूँ आपको। सपोज दैट दिस इज WBC, WBC में न्यूक्लियस होगा, WBC सेल में, वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होगा, एक होगा, दो होगा और तीन भी हो सकता है, तीन न्यूक्लियस भी होते हैं। देखिए आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं था, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, केवल ऊंट, कैमल जानते हो, लांबा शिप, लांबा में और ऊंट के बॉडी के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बस दो में, हम लोगों में नहीं होता। ओके, WBC में न्यूक्लियस होता है, मीन्स WBC मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, बट आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। WBC व्हाइट कलर का होता है ना, इसलिए तो इसका नाम WBC पड़ा, व्हाइट ब्लड सेल। एक्चुअली इसका नाम ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स। तो WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके लिए वो सफेद होता है, मीन्स उसको हम WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ये लिम्फैथेटिक नोड्स में बनते हैं, लिम्फैटिक नोड में बनता है, कौन? WBC। WBC का काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। यू नो फैगोसाइटोसिस, किसी भी चीज को खा लेना, जैसे बॉडी में, हमारे बॉडी में अगर वाया फूड, वाटर, एयर, पानी से, भोजन से, हवा से अगर कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में चले जाएंगे, यू नो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में जाने के बाद डिजीज क्रिएट करें, बीमारियां पैदा करें, ठीक है, हमको बीमार कर दें, उनको बोलेंगे हम क्या, माइक्रोब्स। सो जैसे सपोज दैट ये WBC है, अब इसको हम फिर से बनाते हैं। सपोज दैट बॉडी में कोई ये बैक्टीरिया चला गया, सपोज दैट ये है बैक्टीरिया, ओके। अब WBC उसको ढूंढेगा कि बॉडी में कहाँ बैक्टीरिया है। WBC को पुलिस बोलते हैं, बॉडी का पुलिस बोलते हैं। जैसे पुलिस क्या करता है, जो क्राइम करता है उनको ढूंढ ढूंढ के मारती है पुलिस, वैसे ही हमारे बॉडी में WBC का काम होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को ढूंढ ढूंढ के मारना, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे इसको बैक्टीरिया यहाँ दिखा, यहाँ पहुँचा, तो जैसे ये है WBC, तो WBC अमीबा की तरह अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। तो ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया जैसे इसको निकालेगा और धीरे से क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को अंदर कर लेगा। आपने अंदर करने के बाद इस बैक्टीरिया को अपने साइटोप्लाज्म में घुमाता रहेगा और घुमाते घुमाते इसको ख़त्म कर डालेगा। मीन्स WBC ने क्या किया, बैक्टीरिया को मार के ख़त्म कर दिया। इस फंक्शन को बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, फाइगोसाइटोसिस। कौन करेगा, WBC। अब मेरी बात सुनिए, WBC 5 टाइप्स के होते हैं। मीन्स ल्यूकोसाइट्स डिवाइडेड इंटू 5 मेन पार्ट्स, कौन कौन से, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बोसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये पांचों WBC का काम ही यही है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ गया तो उनको ढूंढ के ख़त्म कर देना, मार देना, फाइगोसाइटोसिस करना। अब सुनिए, WBC की अगर कमी हो गई तो ल्यूकोपीनिया, एक डिजीज होता है ल्यूकोपीनिया, और WBC अगर ज़्यादा हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस। सो आपको ये जो वर्ड है ना याद रखने हैं, RBC की कमी एनीमिया, RBC की अधिकता पॉलीसाइथीमिया, WBC की कमी ल्यूकोपीनिया, WBC की अधिकता ल्यूकोसाइटोसिस, RBC को एरिथ्रोसाइट्स, ओके, WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स 5 टाइप्स के होते हैं, नाम आप लिखिएगा, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बोसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। इसी तरह से प्लेटलेट्स आप पढ़ोगे, क्या प्लेटलेट्स, चलिए ये जो हम RBC, WBC, प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं, ये ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ब्लड प्लाज्मा में फ्लो होते रहते हैं, ये फ्लोट करते रहते हैं और पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में हम मिलते हैं। प्लेटलेट्स जो होता है, मीन्स जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स है उसमें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है। 3 to 5 मिनट में अगर ब्लड निकल रहा है, 3 से 5 मिनट में क्या करेगा, उसको जमा देगा, जिससे ब्लड ज़्यादा बाहर ना निकल पाए। और जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है, मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होती है, उसमें एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। क्या, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जिसको डिजीज होगा उसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और ब्लड अगर निकलेगा तो निकलता ही रहेगा। सो RBC, WBC, प्लेटलेट्स में आपने कौन कौन से डिजीज देखे, एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, हीमोफीलिया, ये डिजीज हो जाते हैं। सो कम टू द पॉइंट, ओवरऑल ब्लड को अगर हम देखें, प्लाज्मा और ब्लड सेल, तो वो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता रहेगा। हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता रहेगा और अपना काम करता रहेगा। क्या काम करता रहेगा उसको हम अभी देखते हैं। सो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम RBCs के बारे में। RBC आर लार्ज इन नंबर एंड हैव आयरन कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यू नो आयरन, आयरनी सब्सटेंस होता है कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी, रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मैंने आपको नाम बताया हीमोग्लोबिन, यू नो इसी हीमोग्लोबिन के कारण हम एरिथ्रोसाइट्स को RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, क्योंकि ये रेड कलर दे देता है उस सेल को। और हाँ, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एरिथ्रोसाइट्स प्ले अ विटल रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई कराता है, कौन, लंग्स टू बॉडी ऑर्गन, कौन, RBC, ओके। ब्लड ऑकर्स इन ब्लड वेसल्स, ब्लड कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स में, यू नो ब्लड वेसल्स, अल्ट्री वेन कैपलरीज, ओके, कॉल्ड अल्ट्री वेन्स कैपलरीज। सो अल्ट्री वेन कैपलरीज में ब्लड जो है फ्लो करता रहता है, ओके। सो नेक्स्ट फैक्ट अभी हम देखते हैं,
which is connected together from the circulatory system. आप circulatory system पढ़ोगे जब 10th class में जाओगे, means body में जो circulation होता है, heart, blood vessels, blood का combination होता है, means एक body organ से दूसरे body organ तक कोई भी substance अगर जाएगा तो वो circulatory system के through जाएगा. ओके, तो ब्लड में क्या क्या मिलके जाता है, जैसे आरबीसी में ऑक्सीजन है ना, एक जगह से लंग्स टू बॉडी ऑर्गन जाता है. ओके, सो ऐसे ही है. नेक्स्ट फैक्ट इज ब्लड ट्रांसपोर्ट. ब्लड जो है किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स का. मीन्स जो हम फूड खाए होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन पोर्शन से एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है, ब्लड का. यू नो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हमारा टॉपिक है. सो हार्मोन्स की भी सप्लाई करता है कौन, ब्लड. विटामिन्स, विटामिन की सप्लाई करता है कहाँ, टू द टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट. एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मीन्स यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, टॉक्सिक सब्सटेंस, वेस्ट प्रोडक्ट. एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मीन्स वो जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए और हमारे बॉडी में बन गया, सच एज अमोनिया, यूरिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो इसको क्या करता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन तक पहुंचाता है जिससे उसको बाहर कर दिया जाएगा. कहाँ, किडनी, स्किन, लंग्स तक पहुंचाता है. ओके, सो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू टू द किडनी, मीन्स टिश्यू से किडनी तक ये वेस्ट प्रोडक्ट को पहुंचाता है और किडनी से फिल्टर करके उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है. सो द रेड ब्लड कॉर्पसल्स कैरी ऑक्सीजन. रेड ब्लड कॉर्पसल्स मीन्स एरिथ्रोसाइट्स का क्या काम है, कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू. टिश्यू तक ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है, आरबीसी का होता है. द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टूप, जिससे क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, मीन्स फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है सेल्स में. यू नो सेलुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में C6H12O6 ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा. कौन तोड़ेगा, जब ऑक्सीजन आएगा तभी. ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा सेल्स में, आरबीसीज लेके जाएंगी. ओके, सो नेक्स्ट फैक्ट इज WBC फाइट डिजीज आइदर बाय द एग्लूफाइन एंड डिस्ट्रॉइंग फॉरिजन बॉडीज. WBC का काम आपने देखा क्या, फाइगोसाइटोसिस. यू नो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाएंगे तो WBC को मारेगा, फाइगोसाइटिस करेगा. सो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्ट्रॉइंग, क्या करता है, फाइटिंग करता है उनसे. और ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम है, ब्लड प्लेटलेट्स डिस्ट्रीटिंग द साइट ऑफ इंजरी. जब कभी हमें कहीं पे चोट लग जाता है, इंजरी हो जाता है, तो वहाँ ब्लड निकलने लगता है, तो होता क्या है, हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड को ये क्लॉट कराता है, जमा देता है ब्लड को, जिससे बॉडी से ब्लड ज़्यादा ना निकलने पाए. और ऐसा जिसमें होता है वो कौन सी बीमारी है, हीमोफीलिया, अभी हमने डिस्कस किया था. सो ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड खत्म हुआ. अभी मैं लिम्फ आपको बताता हूँ, व्हाट इज लिम्फ. यू नो ब्लड के जैसे लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसमें ये भी फ्लूइड फॉर्म में होता है. कौन, लिम्फ. लिम्फ इज ऑल्सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. ये भी वेसल्स में फ्लो करता रहता है, लिम्फैटिक नोड्स में बनते हैं, मीन्स इसमें लिम्फोसाइट्स बनता है. लिम्फ में क्या होता है, ज्यादा लिम्फोसाइट्स. जैसे ब्लड में क्या है, सबसे ज्यादा आरबीसी, इसीलिए तो पूरे ब्लड का कलर रेड होता है. और लिम्फ में क्या होता है, सबसे ज्यादा WBC. WBC में कौन से, लिम्फोसाइट्स. और लिम्फोसाइट्स क्या काम करेंगे, फाइगोसाइटोसिस. ओके, इनका काम है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारना, बॉडी में बॉडी को प्रोटेक्शन देना. ओके, सो लिम्फ हमारे बॉडी में है, फ्लूइड फॉर्म में है, लिम्फैटिक नोड्स में ये बनते हैं, लिम्फोसाइट्स बनते हैं. और इनके वेसल्स जो है ये भी ब्लड वेसल्स में मिले रहते हैं और पूरे बॉडी में फ्लो करते रहते हैं. सो इतना आपके लिए काफ़ी है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में. नेक्स्ट हम नर्व्स चीज को पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. और डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में नोट है, जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में नोट्स है, वो उसको देख करके अपने कॉपी में नोट करते रहिए आप लोग. हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछिए. ओके, और जय हिंद लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में.
Okay, thank you and Jai Hind.